दोस्तों मार्केट व्यू के साथ नजर है। आज का दिन काफी बुलिश, 226 पॉइंट मार्केट नेट के 41,585 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। आज आपने देखा कि मार्केट ने, जो कल मैं कह रहा था कि अपने इंडिकेटर को एडजस्ट किया, ऑलमोस्ट एक साइडवेज का पैटर्न है, लेकिन इस साइडवेज में आज जो जो क्लोजिंग है वो सबसे हाई है, यानी 41,500 से ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो वैसे 41,700 जो है वो मार्केट का हाई है। अगर 41,700 से ऊपर कल क्लोजिंग आ जाती है तो फिर मार्केट अपना डबल टॉप लगाएगी, यानी 42,500 की रैली जो है वो बन सकती है। वॉल्यूम अगर बात करें तो वॉल्यूम आज काफी अच्छा है। सीमेंट सेक्टर में बाइंग हो रही है, कंपनीज ने आज बहुत ज्यादा बाइंग की है सीमेंट सेक्टर में और कमर्शियल बैंक्स में। तो बाइंग सेलिंग चार्ट देखते हैं और फिर मजीद डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने बाइंग सेलिंग चार्ट है। बैंक्स ने 0.20 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, ब्रोकर ने 1.43 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, फॉर्म कॉर्पोरेट ने 1.04 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, इंडिविजुअल ने 0.41 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, इंश्योरेंस ने 1.30 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने 0.36 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.04 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, ओवरसीज पाकिस्तानी 0.23 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग। तो तमाम इंस्टीट्यूशन सेलिंग, और इस सेलिंग जो है इसको हम कहेंगे प्रॉफिट टेकिंग। उसकी वजह कि अगर ये पैनिक सेलिंग होती तो मार्केट माइनस होनी चाहिए थी। आज कंपनीज ने माल खरीद के इंडेक्स को काफी बढ़ावा दिया और हर इंस्टीट्यूशन ने उस बढ़ती हुई मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग की। सिर्फ कंपनीज ने सबको मैनेज किया और 5.01 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। अब हम देखते हैं कि कंपनीज ने आज बाय क्या किया, फिर हम मजीद डिस्कस करते हैं। ये कंपनीज का पोर्टफोलियो है। सीमेंट सेक्टर को देखें तो 3.16 मिलियन डॉलर का सीमेंट बाय किया, 1.01 मिलियन डॉलर का इन्होंने कमर्शियल बैंक्स बाय की। उसके बाद जो इनकी मेन बाइंग बनती है वो फर्टिलाइजर में है, 0.33 मिलियन डॉलर्स। तो ये थ्री मेजर बाइंग जोन है इनके। सीमेंट बाय किया है, कमर्शियल बैंक्स बाय किए हैं और फर्टिलाइजर। तो कमर्शियल बैंक्स में तो बैंक्स जो है उन्होंने कुछ ने डिविडेंड दिया है, कुछ अच्छी वो उनकी एक्सपेक्टेड है क्योंकि बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में बढ़ रहे हैं। तो सीमेंट सेक्टर पे इंटरेस्ट रेट का तो बहुत बुरा असर पड़ता है। तो बहरहाल काफी स्पेकुलेशन है सीमेंट सेक्टर के बारे में, उसमें मैपलिफ है, चराट है, पायनियर वगैरह अच्छे सेक्टर हैं, इनमें आप अपनी ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। तो सीमेंट सेक्टर में आज देखते हैं कि सेलिंग किसने। ये आपके सामने सीमेंट सेक्टर है, इसमें कंपनीज ने तो 3.16 मिलियन डॉलर की बाइंग की, साथ में कुछ म्यूचुअल ने 0.11 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। तो सीमेंट सेल किसने किया? सीमेंट सबसे ज्यादा सेल किया है ब्रोकर, 1.45 मिलियन डॉलर्स का। उसके बाद सेल किया है बैंक्स ने, 0.67 मिलियन डॉलर्स, सॉरी उसके बाद इंश्योरेंस ने 0.73 मिलियन डॉलर्स, और फिर बैंक्स है 0.67 मिलियन डॉलर। इंडिविजुअल्स ने भी सेल किया, यानी सवाए कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट बाकी सब ने सीमेंट को सेल किया। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि वेल इन्फॉर्म्ड जो इंस्टीट्यूशन है वो होते हैं ब्रोकर, कुछ खास इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड में तो किस हद तक समझ आती है कि भाई कुछ फंड ने थोड़ा बहुत बाय किया है, लेकिन ब्रोकर और इंडिविजुअल का इस हद तक सीमेंट को सेल करना शायद वक्ती तौर पे कोई बने, लेकिन फिर आपको सीमेंट में लंबे अरसे के लिए बैठना भी पड़ सकता है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आप उसमें से प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते, या जो है वो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद लटके रहते हैं, तो फिर आप उसमें बुरी तरह स्टक हो सकते हैं। इनकी अपसाइड की मूव में जब तक ग्रीन हो तब तक होल्ड करें, जिस दिन रेड क्लोज होना शुरू हो एहतियात के साथ आप एग्जिट करें। सीमेंट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था जब पहली ग्रीन कैंडल इसमें बनी, बल्कि बाद में बनी है, तो इसमें आप देखें कि डीजीकेसी जो है वो आज बढ़ने के बजाय माइनस हुआ है, और जो जो उसने अपना एक छोटा सा ब्रेकआउट सा दिया था
अपनी सपोर्ट लेवल से ऊपर क्लोजिंग थी, उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट किया, शायद ये 41 रुपए को रीटेस्ट करे, 41-20 को, अगर वहां पे आए तो 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय करें, 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ डीजीकेसी में बाइंग करके होल्ड किया जा सकता है, जिस तरह सीमेंट की रैली है, तो ये आपको जो है वो 44 से 45 रुपए तक ये दिखा सकता है, मे बी कल ही आपको दिखा दे, लेकिन आप करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, 41 के करीब भी बाय कर सकते हैं, 40 का स्टॉप लॉस आपने रखना है। दूसरा जी हम नेटवर्क जो है वो 2-3 दिन से खूब दे के वापस आया है, लेकिन अगर आप इसका वॉल्यूम देखें ना, तो वॉल्यूम आज बहुत स्क्वीज हुआ है, नीचे है, तो वॉल्यूम मिनिमम हो गया, और आईटी सेक्टर में जितना आईटेली चला है इसकी सेटलमेंट भी ऊपर आई है, अगर ये 5 रुपए 60 पैसे क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर ये 6 रुपए 20 पैसे तक जा सकता है, जी हाँ ये 6 रुपए 20 पैसे तक इसकी बन सकती है, आपने इसको 5 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर, 5 रुपए 40 पैसे क्लोजिंग बेस, 5 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें भी अपनी पोजीशन पर आ सकते हैं, और अगर ये 5 रुपए 60 पैसे क्रॉस कर गया तो आपको एक मूव दे सकता है अपसाइड की। ये थे आपके 2 स्क्रिप्ट मार्केट व्यू, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।